हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो अब जो ये वीडियो मैंने बनाई है, इसके लिए जो डेटा मैंने कलेक्ट करा था वो डेटा मैंने यूज़ करा है यूट्यूब एपीआई को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करा है। मैंने डेटा सारा स्क्रैप करा है, यूट्यूब एपीआई यूज़ करी है। एंड ये मेरा कोड है, पाइथन बेस्ड पूरा कोड है। इसके बेसिस पे सारे के सारा जो डेटा है मेरा वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है यूट्यूब से एक मेरी CSV फाइल पे। और ये पैरामीटर्स हैं जिस जो जो डिटेल मेरे को चाहिए एक्चुअल में, तो इन पैरामीटर के बेसिस पे मैं वो डिटेल अभी एक एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज़ यू कैन सी कोड इज़ रनिंग नाउ, और ये जो जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी इस डेट का जिस डेट पे मैंने कोड रन करा है, जो भी ट्रेंडिंग वीडियो होगी उस कंट्री की, उसकी डिटेल्स मेरे को दे देगा। सपोज इसमें मैंने 7-8 कंट्रीज़ ली थी, लाइक ब्राज़ील, जर्मनी, यूके, यूएस, इंडिया। तो ऐसी 7-8 कंट्रीज़ की डिटेल मेरे को एक ये CSV फाइल में एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसको होने देते हैं थोड़ा। जैसे आप देख सकते हैं कोड कंप्लीट हो चुका है मेरा। जितनी भी डिटेल्स थी वो मेरी एक CSV फाइल में जो मैंने पाथ दिया था, अब वहाँ पे जाके ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया है। डेज वाइज फाइल यू कैन सी कि मैंने और डेज़ की भी कैसे फाइल सेव करी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी नोटपैड पे खोल के मैंने जैसे फाइल दिखाई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है मेरी। और अगर मैं इसी को एक्सेल में खोल के आपको दिखाऊँ तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसे आपको डेटा मिल जाएगा यूट्यूब से, डायरेक्ट यूट्यूब का। तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं आप इसमें, व्यूज़ का, कमेंट्स का, लाइक्स का, क्या ट्रेंडिंग हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू विद दैट। तो ये मेरी थी इसकी वीडियो। तो अब मैं इसके आगे आपको ट्रेंडिंग दिखाता हूँ इसकी विजुअलाइजेशन में कि कैसे ये एक टाइमलाइन में दिखता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।